चैनल से दोस्त वाला न्यू हाय माय नेम इज़ अंशिका एंड मैं इतने टाइम बाद हॉल वीडियो शेयर कर रही हूँ ना, आई गेस मुझे भी याद नहीं है मैं लास्ट हॉल वीडियो मैंने कौन सी शेयर करी थी, बट इफ़ आई रिमेम्बर शायद मैंने कोई अमेजोन वैलेंटाइंस डे वाला आउटफिट वीडियो मैंने शेयर करा था हॉल वीडियो में, एंड उसके बाद मैं अब एक हॉल वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिकॉज मैं अभी ज़्यादा फोकस कर रही हूँ ऑन माय मेकअप। तो आपको मेरे चैनल पर ये बाल कहाँ से आ रहा है, ओह माय गॉड, या सो अभी आपको मेरे चैनल पे मेकअप रिलेटेड स्टफ ज़्यादा देखने मिलेगा, प्लस उसी से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी एज वेल एज बिगनर्स के लिए बहुत सारी वीडियोस में शेयर करती रहती हूँ। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सम कोरियन टी शर्ट्स, लाइक कोरियन ओवरसाइज टी शर्ट्स मैंने भी अभी नहीं देखी है, लाइक दीज ऑल आर पैक्ड, ये सारी मैंने अमेजोन से मंगाई और अभी मैंने एक भी ओपन नहीं करी बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू शेयर द ऑनेस्ट रिव्यू ताकि मैं सब कुछ आपके सामने रखूँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। मैंने जस्ट अभी सारी पॉलिथिन से निकाली एंड अब मैं शेयर करूँगी मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। सो without any further ado, now let's jump to the video. हम स्टार्ट करेंगे ये ब्राउन से, बट लेट मी जस्ट ओपन Amazon ताकि मैं आपको प्राइस भी साथ बाय साथ बताती जाऊँ, ऑल्सो प्राइस वगैरह मैं सब कुछ स्क्रीन पे भी मेंशन करती जाऊंगी। और एक मक्खी उड़ रही है तो प्लीज उसे थोड़ा अवॉइड करना, यस। ऑल्सो आज का मेकअप लुक मैंने रिकॉर्ड नहीं करा है बट मैंने इसका एक प्यारा सा रील बनाया जो मेरे इंस्टाग्राम पे अपलोडेड है, सो यू जस्ट गो एंड चेक दैट आउट। मैंने दो टी शर्ट मेंस वाले सेक्शन से भी ली थी बिकॉज मुझे ओवर साइज में गर्ल्स वाले सेक्शन में कम दिख रही थी तो मैं वुमेन वाले में नहीं देखी, फिर मैं गई मेन्स वाले सेक्शन में, मेन्स में मुझे बहुत अच्छी अच्छी मिली थी। सो ये है ब्राउन कलर की, दिस इज साइज एम और ये है 349 की। मैंने महंगी टी शर्ट इस बार नहीं ली है बिकॉज 500-600 इन्वेस्ट करना किसी एक पर्टिकुलर टी शर्ट में मुझे लग रहा था वो थोड़ा कॉस्टली है। आई गेस एक या दो टी शर्ट होंगी जो 500 प्लस होंगी बट अपार्ट फ्रॉम दिस सारी टी शर्ट 300-400 इस प्राइस की है। सो दिस इज 349, द फैब्रिक इज वेरी गुड, मैंने एम साइज मंगाया है, ये मुझे परफेक्टली ओवर साइज आने वाली है। एंड द बेस्ट थिंग इज इसका जो ये वाला लेंथ है ना ये उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है बिकॉज क्या होता है जो मेरी ओवर साइज टी शर्ट रहती है ना वो मुझे नी तक आती, लिटरली वो एक ड्रेस की तरह बनती है, बट ये वैसी नहीं आएगी, ये मेरे थाइस तक ही आने वाली है। द कलर इज वेरी वेरी प्रिटी, मुझे ब्राउन में लाइक कॉफी कलर में एक भी मेरे पास ओवर साइज टी शर्ट्स नहीं थी। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ओवर साइज टी शर्ट, ओके मैं पहली ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैं बेसिकली स्किनी प्लस जो नॉर्मल टी शर्ट्स आती है वो मैंने सालों से नहीं पहनी है एंड आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दो स्किनी जीन्स एंड स्किनी टी शर्ट्स, मतलब मुझे स्किनी पसंद ही नहीं, आई डोंट नो वाई, बट इसलिए मैं अब ओवर साइज पर ज़्यादा फोकस करती हूँ। तो मैं ओवर साइज टी शर्ट्स इस बार खरीदी थी मैंने, सो दिस इज़ द ब्राउन टी शर्ट। इसमें आपको कलर वेराइटीज़ बहुत सारी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ग्रे ब्लू वाइट ब्लैक, ये 3 से 4 कलर अवेलेबल है, साइजेस भी सारी अवेलेबल है। मैंने ये एम साइज़ पिक करा था, यू कैन सी कि ये कितना ज़्यादा लॉन्ग आ रहा है प्लस मेरे साइज़ मेरी हाइट के अकॉर्डिंग कितना है, मेरी जो हाइट है वो है 5'3", सो मेरे लिए ये कुछ इस टाइप का आ रहा है। सेकेंड टी शर्ट इज़ अ ग्रे वन जो बहुत ही प्यारा सा लग रहा था मुझे बिकॉज इसमें फ्रंट सेक्शन में लिखा है नासा, सो दिस इज द टी शर्ट और ये भी मेन सेक्शन से था एंड इसका जो बैक डिज़ाइन था वो बहुत इंप्रेसिव था बिकॉज मैंने इसे बैक के लिए ही पिक करा था। बैक में आप देखेंगे तो सारे प्लैनेट्स वगैरह, मून वगैरह और व्हीकल रॉकेट ये सारी चीज़ें बनी हुई है, मतलब सारा स्पेस रिलेटेड चीज़ें ही बना है। दिस इज़ द ग्रे टी शर्ट एंड ये बहुत ही क्यूट सा, यहाँ रेड कलर से नासा लिखा है। नाउ लुक एट द बैक, बैक में मुझे ये वाला जो डिज़ाइन है ना ये बड़ा प्यारा आ रहा है, दीज आर लाइक अ स्टिकर्स, मुझे ऐसा लग रहा है स्टिकर्स हैं बट ये निकलेंगे नहीं, दीज आई एम प्रिटी श्योर। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है, कॉटन है एंड मेरे पास ग्रे ओवर साइज नहीं था सो ये मेरा गो टू टी शर्ट होने वाला है। ब्राउन में फिर भी रखूंगी लाइक बाहर आने जाने के लिए बट दिस विल बी माई गो टू टी शर्ट। यस मेरा जो साइज है वो है एस, प्राइस है 399, अगेन 400 के अंडर में है सो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। आई गेस इसमें आपको वेराइटीज में एक ब्लैक मिलेगा, ब्लैक कलर आप चेक कर सकते हैं बट मैं सजेस्ट करूंगी आई गेस ग्रे ज्यादा बेटर लग रहा है। अगला है रेड कलर का, रेड कलर का ये मुझे वुमेन सेक्शन में ही मिला था तो ये कुछ इस टाइप का टी शर्ट है, ये बिल्कुल प्रॉपर ओवर साइज टी शर्ट है। अगर इस टाइप की टी शर्ट आप देखते हो ना तो एस में ही लेना बिकॉज वही रहती हैं जो ओवर साइज रहती हैं। ये है 299, लाइक 299 से 304 के बीच में इसका प्राइस है। आई रियली होप कि इसका फैब्रिक अच्छा आया हो, इसका फैब्रिक एज कम्पेयर टू ये जो दो टी शर्ट मैंने दिखाई उससे थोड़ा पतला है बट अगेन सी थ्रू नहीं है, मतलब जो आप फैब्रिक देखेंगे ना तो ये बिल्कुल सी थ्रू नहीं है बिकॉज इसका प्राइस 299 है, मतलब 300 ही है और ये मुझे ओवर साइज आएगी। साइज मैंने एस लिया है और ये अच्छा खासा ओवर साइज आने वाला है मुझे। इसमें लिखा हुआ है मेड और ये प्रॉपर रेड कलर का है, बैक एंड पूरा प्लेन है इसका, सो ये इस टाइप की टी शर्ट है, पहनने पे आई गेस मुझे ये व्हाइट के साथ बहुत ही प्यारी लगने वाली है। यू कैन चेक दैट आउट, इसमें आपको कलर वेराइटीज तो नहीं है बट हाँ आपको साइजेस अवेलेबल मिल जाएंगी।
मुझे एक ब्लैक कलर की टी शर्ट दिखी थी, बहुत ही सही लग रही थी, एनीमे प्रिंट में थी एंड दिस इज द टी शर्ट जो मैंने देखी थी एंड ये है एम साइज में जो मैंने पिक करी है। मुझे इसका प्रिंट बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक लगा था, लाइक दीज आर माई एस्थेटिक्स। मेरे पास एक और एनीमे वाली टी शर्ट है जो मैंने सरोजनी से ली थी, बट वो उसके बैक में डिज़ाइन थी, फ्रंट उसका प्लेन था और मुझे चाहिए थी जिसके फ्रंट में डिज़ाइन हो एंड द क्वालिटी इज जस्ट सुपर्ब। सबसे बेस्ट क्वालिटी की टी शर्ट ये वाली है, ऑल्दो इसका भी फैब्रिक रेड वाले के जैसा है, लाइक ये थोड़ी सी पतली है इन दोनों के कंपेयर में, बट दिस इज सो सॉफ्ट और ये बिल्कुल ओवर साइज में मेरा आने वाला है, लाइक जो मेरा लुक है ना वो इस टी शर्ट में दिखेगा। मेरा साइज इसमें एम है एंड द प्राइस इज 449, अगेन 500 के अंडर में ही है। फैब्रिक बड़ा ही सॉफ्ट है, ये भी सेम ऐसा स्टिकर्स है तो ये निकलेगा नहीं, जैसा वो ग्रे वाले में था ना सेम वही वाला फीचर है इसका भी। जो लेंथ है ना वो मेरे वेस्ट तक ही आएगी, वो मुझे ज्यादा बड़ी नहीं आएगी, बट इसकी जो स्लीव्स है ना वो मुझे एल्बो तक आएंगी एंड दिस इज एक्चुअली माई एस्थेटिक्स। मुझे टी शर्ट्स में यहाँ से लेंथ उतनी बड़ी नहीं चाहिए, बट जो स्लीव्स आएंगी ना वो मुझे एल्बो तक चाहिए पड़ती हैं, सो इसलिए दिस इज माई किंडा थिंग। सो मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड, शायद जब इसका पार्ट टू मंगाऊंगी ना तो उसमें इस ब्रांड की टी शर्ट डेफिनेटली ऐड करने वाली हूँ। तो मैंने दो टी शर्ट ली हैं सेम ब्रांड से, सो दीज टू आर द टी शर्ट, दिस इज लैवेंडर एंड दिस इज डार्क ग्रीन। लेट्स जस्ट ओपन ग्रीन वन। सो फाइनली ग्रीन टी शर्ट इज हियर। मैं इसके लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी बिकॉज मेरे पास एक भी इस कलर की टी शर्ट नहीं थी एंड आई एम रियली इंप्रेस्ड बाय द क्वालिटी एंड विद द कलर। बहुत ही ज़्यादा सॉलिड क्वालिटी है, आई गेस जितनी भी टी शर्ट्स आज की हैं सबसे बेस्ट क्वालिटी इस ब्रांड की है। मैं सबसे ऊपर इसकी लिंक दे रही हूँ, सो जस्ट चेक दिस आउट एंड ये कलर मेरे ऊपर बहुत अच्छा लगने वाला है, नो दिस थिंग। मैं डार्क ग्रीन की बहुत बड़ी फैन भी हूँ, लाइक मुझे डार्क ग्रीन कलर बहुत पसंद है। सो दिस इज एक्चुअली कॉटन टी शर्ट और फैब्रिक भी इसका थोड़ा सा सॉलिड फैब्रिक है, लाइक कोई भी टी शर्ट सी थ्रू फैब्रिक की नहीं है, बट जो फैब्रिक क्वालिटी है ना वो भी डिफर करती है एंड दिस इज अ सॉलिड फैब्रिक। सेम विद द लैवेंडर, आई गेस लैवेंडर अगर मैं ओपन करूंगी वो भी वही रहेगा। साइड में टेक्स्ट लिखा हुआ है, मेन कैरेक्टर एनर्जी, सो वेरी प्रिटी यार, बहुत ही सुंदर लग रहा है। सो आप ये देखेंगे पास से, मेन कैरेक्टर एनर्जी। मेरा साइज है इसमें एम, प्राइस है 579 एंड दिस इज द टी शर्ट जो मैंने पिक करी है। इसमें आपको कलर वेराइटीज बहुत सारी मिल जाएंगी, कलर में आई गेस 7 to 8 कलर्स, आई गेस 10 कलर्स अवेलेबल हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे आपको 10 कलर्स मिल जाएंगे। साइज मैंने एम लिया, आई गेस एम विल परफेक्ट फॉर मी, जैसा एस्थेटिक मेरा है ना एम उसके लिए परफेक्ट आएगा। जस्ट ओपन द लैवेंडर वन बिकॉज लैवेंडर के लिए भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सो दिस इज द लैवेंडर वन। ओ माय गॉड, ये भी थोड़ी सी बड़ी है, लाइक ये ग्रीन से ज़्यादा बड़ी है बिकॉज ग्रीन वाली मैंने वुमेन वाले से ली थी और लैवेंडर वाली मैंने मेन सेक्शन से ली थी। सो ये एक्चुअली में थोड़ी बड़ी आई है, बट ये मेरे एस्थेटिक्स हैं, सो आई नो कि ये मेरे ऊपर बहुत ही सुंदर लगने वाली है एंड आफ्टर ऑल दिस इज लैवेंडर, सो हाउ कैन आई से नो टू दिस वन। मेरा जो साइज इसमें है वो है एम एंड द प्राइस इज अप्रॉक्सीमेटली 500 to 600 बिकॉज सेम ब्रांड का है तो सेम प्राइस रेंज में ही रहेगा, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। एंड ग्रीन की क्वालिटी ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू लैवेंडर वन, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा लाइट वेटेड है और ये बहुत ही सॉलिड सा फैब्रिक है, बट आई रियली लाइक दिस वन। अगर मेरे से आप पूछें कि मेरी फेवरेट टी शर्ट आज के इस हॉल में, देन मैं ग्रीन वाली सेलेक्ट करूंगी। सो गाइज, मैं सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ, तो आप जाके चेक करना। ऑल्सो अगर आपको इसका पार्ट टू चाहिए तो फिर मेरे को बताना, मैं आपको पार्ट टू भी शेयर कर दूंगी जल्दी से। एंड इसके बाद मैं एक ड्रेसेस हॉल लेके आने वाली हूँ जो समर्स के लिए होने वाली है। येस, अगर आप समर्स के लिए ड्रेसेस वगैरह देख रहे हैं तो थोड़ा रुक जाना, मैं हॉल आपको शेयर करने वाली हूँ जल्दी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको सुंदर सुंदर मेकअप लुक देखना है, मेकअप सीखना है, देन यू कैन फॉलो मी अप एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, बाय।